समोेल का पहला ग्रंथ अध्याय तीन समुेल को प्रभु के प्रथम दर्शन युवक समुेल एली के निरीक्षण में प्रभु की सेवा करता था उस समय प्रभु की वाणी बहुत कम सुनाई पड़ती थी और उसके दर्शन भी दुर्लभ थे किसी दिन ऐसा हुआ कि एली अपने कमरे में लेटा हुआ था उसकी आँखें इतनी कमज़ोर हो गई थी कि वह देख नहीं सकता था प्रभु का दीप वृक्ष उस समय तक बुझा नहीं था और समवेल प्रभु के मंदिर में जहाँ ईश्वर की मंजूसा रखी हुई थी सो रहा था प्रभु ने समवेल को पुकारा उसने उत्तर दिया मैं प्रस्तुत हूँ और इली के पास दौड़ कर कहा आपने मुझे बुलाया है इसलिए मैं आया हूँ एली ने कहा मैंने तुमको नहीं बुलाया जाकर सो जाओ वह लौट कर लेट गया प्रभु ने फिर समोवेल को पुकारा उसने एली के पास जाकर कहा आपने मुझे बुलाया है इसलिए मैं आया हूँ एली ने उत्तर दिया बेटा मैंने तुमको नहीं बुलाया जाकर सो जाओ शमोवेल प्रभु से परिचित नहीं था प्रभु कभी उससे नहीं बोला था प्रभु ने तीसरी बार समुएल को पुकारा वह उठकर एली के पास गया और उसने कहा आपने मुझे बुलाया इसलिए मैं आया हूँ तब एली समझ गया कि प्रभु युवक को बुला रहा है एली ने समुएल से कहा जाकर सो जाओ यदि तुमको फिर बुलाया जाएगा तो यह कहना प्रभु बोल तेरा सेवक सुन रहा है समुएल गया और अपनी जगह लेट गया प्रभु उसके पास आया और पहले की तरह उसने पुकारा शमुएल, शमुएल, शमुएल ने उत्तर दिया बोल तेरा सेवक सुन रहा है तब प्रभु ने समोएल से कहा देखो मैं इज़राइल में वह काम करने वाला हूँ जिसके विषय में सुनकर सब लोग चकित रह जाएंगे मैंने एली के घर के विषय में जो कुछ कहा उसे मैंने उस दिन आदि से अंत तक पूरा करूंगा। मैं उसे यह बता देना चाहता हूं कि मैं उसके दोष के कारण ही उसके घराने को अपरिवर्तनीय दंड देने जा रहा हूं, क्योंकि उसने अपने पुत्रों को कुकर्म करते देखकर भी उन्हें नहीं रोका इसलिए मैं शपथ खा कर एली के घर से कहता हूं कि उसके घर के दोष का प्रायश्चित ना तो बलिदान द्वारा संभव है और ना चढ़ावे द्वारा प्रतःःकाल तक समोवेल लेटा रहा इसके बाद उसने प्रभु के मंदिर के द्वार खोला एली को अपना दिव्य दर्शन बताने में समोवेल को संकोच हो रहा था पर एली ने समोवेल को बुलाया और उससे कहा बेटा समोवेल उसने उत्तर दिया मैं प्रस्तुत हूँ एली ने पूछा उसने तुम्हें क्या बताया है मुझसे कुछ भी ना छिपाना ईश्वर ने तुमसे जो कहा यदि तुम उससे एक बात भी मुझसे छिपाओगे तो वह तुमको कठोर से कठोर दंड दिलाए इस पर समवेल ने उसे सब बातें बता दी उससे कुछ भी नहीं छिपाया एली ने कहा वह प्रभु है वह जो उचित समझे वही करे समवेल बढ़ता गया प्रभु उसके साथ रहा और उसने समवेल को जो वचन दिया था उनमें से एक को भी मिट्टी में नहीं मिलने दिया और दान से लेकर बैर शेबा तक समस्त इसराइल यह जान गया कि समवेल प्रभु का नबी प्रमाणित हो गया है प्रभु ने उसे बाद में भी शिलों में दर्शन दिए क्योंकि प्रभु ईशवाणी द्वारा शिलों में समवेल के सामने स्वयं को प्रकट करता था अध्याय चार समोवेल की बात इसराइल भर में मान्य थी फ़लस्ती द्वारा इसराइलियों की पराजय उन दिनों फिलिस्ती इसराइल पर आक्रमण करने के लिए एकत्र हो गए और इसराइली उनका सामना करने निकले उन्होंने एबेनेजर के पास पड़ाव डाला और फिलिस्तियों ने अफोद में फिलिस्ती इसराइलियों के सामने पंथिबुद्ध हो गए घमासान युद्ध हुआ और इसराइली हार गए फ़लस्ती ने रण क्षेत्र में लगभग चार हज़ार सैनिकों को मार डाला जब सेना पड़ाव में लौट आई तो इसराइली नेताओं ने कहा प्रभु ने आज हमें फ़लस्ती से क्यों हारने दिया हम शिलो जाकर प्रभु की मंजूसा ले आए वह हमारे साथ चले और हमें हमारे शत्रुओं के पंजे से छुड़ाए उन्होंने मंजूसा ले आने कुछ लोगों को शिलो भेजा यह विश्वमंडल के प्रभु के विधान की मंजूसा है जो कि रुबीम पर विराजमान है एली के दोनों पुत्र होपनी और पिनहास ईश्वर के विधान की मंजूसा के साथ आए जब प्रभु के विधान की मंजूसा पड़ाव में पहुंची तो सब इसराइली इतने जोर से जयकार करने लगे कि पृथ्वी गूंज उठी फिलिस्ती ने जयकार का वह नाद सुनकर कहा इब्रानियों के पड़ाव में इस महान जयकार का क्या अर्थ है जब उन्हें यह पता चला कि प्रभु की मंजूसा पड़ाव में आ गई है तो वे डरने लगे उन्होंने कहा ईश्वर पड़ाव में आ गया है हाय हम हार गए यह पहले कभी नहीं हुआ हाय हम हार गए उस शक्तिशाली ईश्वर के हाथ से हमें कौन बचा सकता है यह तो वही ईश्वर है जिसने मिस्रियों को मर में नाना प्रकार की विपत्तियों से मारा हिम्मत बांधो और शूरवीरों की तरह लड़ो नहीं तो तुम इब्रानियों के दास बनोगे जैसे कि वे तुम्हारे दास थे शूरवीरों की तरह लड़ो फिलिस्ती ने आक्रमण किया इसराइली हार कर अपने तंबुओं में भाग गए यह उनकी करारी हार थी इसराइलों के तीस हजार पैदल सैनिक मारे गए ईश्वर की मंजूसा छीन ले गई और एली के दोनों पुत्र होपनी और पिनहास भी मार दिए गए एली की मृत्यु एक बेनियामीन वंशी रण क्षेत्र से भागकर उसी दिन शिलो आया उसके कपड़े फट गए थे और उसका सिर धूल दूसरित था जब वह वा वहाँ पहुँचा तो एली मार्ग के किनारे कुर्सी पर बैठकर प्रतीक्षा कर रहा था क्योंकि उसका हृदय ईश्वर की मंजूसा के विषय में व्याकुल थी नगर में पहुँच जब उस आदमी ने समाचार सुनाया तो नगर भर में हाहाकार मच गया हाहाकार सुनकर एली ने पूछा इस कोलाहल का अर्थ क्या है वह आदमी दौड़ कर एली को समाचार देने आया एली की अवस्था अट्ठानवे वर्ष की थी उसकी दृष्टि धुंधली पड़ गई थी और वह देख नहीं सकता था उस आदमी ने एली से कहा मैं अभी अभी युद्ध क्षेत्र से भाग कर आया हूँ उसने पूछा अच्छा बेटा क्या हाल है जो व्यक्ति समाचार लाया उसने उत्तर दिया इसराइली फिलस्ती के सामने से भाग निकले हैं बहुत से सैनिक मारे गए आपके दोनों पुत्र होपनी और पिनहास मारे गए हैं और ईश्वर की मंजूसा छीन ली गई है जो ही उसने ईश्वर की मंजूसा का नाम लिया, एली फाटक की बगल में अपने आसन पर से पीछे की ओर लुढ़क गया उसकी गर्दन टूट गई और उसके प्राण निकल गए क्योंकि वह बहुत बूढ़ा हो चला था और उसका शरीर बहुत मोटा था उसने इसराइल में चालीस वर्ष तक न्यायकर्ता का कार्य किया था पिनहास की पत्नी की मृत्यु उसकी पोतुहु पिनहास की पत्नी गर्भवती थी और उसके प्रसव का समय निकट था जैसे ही उसे ईश्वर की मंजूसा के अपहरण और अपने ससुर और पति दोनों की मृत्यु का समाचार मिला वह गिर पड़ी उसे प्रसव पीड़ा होने लगी और उसे प्रसव हो गया जब वह मरने मरने को थी तो उसकी सेवा करने वाली स्त्रियों ने उससे कहा डरिए नहीं आपको एक लड़का हुआ है परंतु उसने ना तो इसका उत्तर दिया और ना इस पर ध्यान ही दिया उसने यह कहते हुए लड़के का नाम इरकाबोद रखा ईश्वर की महिमा इसराइल से उठ गई है उसने ईश्वर की मंजूसा के अपहरण तथा अपने ससुर और पति की मृत्यु के कारण ऐसा कहा उसने कहा इसराइल से ईश्वर की महिमा उठ गई है क्योंकि ईश्वर की मंजूसा का अपहरण हो गया है अध्याय पांच मंजूसा के कारण प्रभु का कोप ईश्वर की मंजूसा छीन लेने के बाद फ़लस्ती से एबनेज़ेर से अशदोद ले गए फिर फ़लस्ती ने ईश्वर की मंजूसा ले जाकर उसे दगोन के मंदिर में दगोन के पास रखा जब दूसरे दिन सवेरे अश्दोष वासी जागे तो वह देखते क्या है कि प्रभु की मंजूसा के सामने दगोन सिर के बल भूमि पर गिर पड़ा है उन्हें दगोन को उठाकर फिर उसके स्थान पर रख दिया जब वे तीसरे दिन सवेरे उठे तो फिर दगोन प्रभु की मंजूसा के सामने सिर के बल भूमि पर गिरा हुआ था दगोन का सिर तथा उसके दोनों हाथ कट गए थे और दहली पर पड़े हुए थे दगोन का अब धड़ ही रह गया था इसी कारण दगोन के पुजारी और सारे लोग जो अशदौद में दगोन के मंदिर में आते हैं आज तक दहली पर पैर नहीं रखते प्रभु का हाथ अशद के निवासियों के लिए भारी पड़ा उसने अशदौद और उसके आसपास के लोगों के शरीर में गिल्टियाँ उत्पन्न कर उन्हें उत्पीड़ित किया यह देखकर कर के निवासियों ने कहा इसराइल के ईश्वर की मंजूसा हमारे यहाँ न रखी जाए क्योंकि उसका हाथ हम पर और हमारे देवता दगोन के लिए भारी पड़ रहा है इसलिए उन्होंने फ़लस्ती के सब शासकों को बुलाकर उनसे पूछा हम इसराइल के ईश्वर की मंजूसा का अब क्या करें उन्होंने कहा इसराइल के ईश्वर की मंजूसा गत नगर पहुँचाई जाए इसलिए इसराइल के ईश्वर की मंजूसा वहीं ले जाई गई वह वहाँ ले जाई गई तो प्रभु का हाथ उस नगर को दंडित करने लगा जिससे वहाँ आतंक छाया रहा उसने उस नगर के सभी निवासियों को क्या छोटे क्या बड़े को मारा उनके शरीर में गिल्टियाँ निकल आईं इस पर उन्होंने ईश्वर की मंजूसा एथ्रोन भेज दी जैसे ही ईश्वर की मंजूसा एथ्रोन पहुंची एथ्रोनवासी वासी चिल्ला उठे वे हमें और हमारे लोगों को मार डालने के लिए इसराइल की ईश्वर की मंजूसा हमारे यहाँ लाए हैं इसलिए उन्होंने फिलिस्तीयों के सब शासकों को बुलाकर उनसे निवेदन किया इसराइल के ईश्वर की, की मंजूसा वापस भेजिए वह वा जहाँ पहले थी वहीं लौटे नहीं तो वह हमारा और हमारे लोगों का विनाश करेगी सारे नगर पर मृत्यु का आतंक छा गया ईश्वर के हाथ ने उस नगर को दंडित किया जिन लोगों की मृत्यु नहीं हुई थी वे गिल्टियों से पीड़ित थे नगर का हाहाकार आकाश में गूंज उठा स्तोत्र ग्रंथ अध्याय एक सौ उन्नीस प्रभु मैंने सारे हृदय से तुझे पुकारा मेरी सुन मैं तेरी संहिता का पालन करूंगा मैंने तेरी दुहाई दी मेरा उधार कर और मैं तेरे आदेशों का पालन करूंगा मैं भोर से पहले तुझे पुकारता हूं मुझे तेरी प्रतिज्ञा का भरोसा है तेरी शिक्षा का मनन करने के लिए मेरी आंखें रात के पहरों में खुली रही अपनी सत्य प्रतिज्ञाता के अनुरूप मेरी सुन प्रभु अपने निर्णय के अनुसार मुझे नवजीवन दे तेरी संहिता की उपेक्षा करने वाले दुष्ट अत्याचारी मेरे निकट आ रहे हैं प्रभु तू भी तो निकट है तेरी सब आज्ञाएं विश्वसनीय है मैं बहुत पहले से यह जानता हूं कि तूने सदा के लिए अपनी शिक्षा स्थापित की है मेरी विपत्ति पर दृष्टि डाल और मेरा उधार कर क्योंकि मैंने तेरी संहिता को नहीं भुलाया मेरे पक्ष का समर्थन कर और मेरी रक्षा कर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मुझे नवजीवन प्रदान कर मुक्ति विधर्मियों से दूर है क्योंकि उन्होंने तेरी संहिता की उपेक्षा की प्रभु तेरी कृपा असीम है अपने निर्णय के अनुसार मुझे नवजीवन दे मेरे अत्याचारी और विरोधी अनेक हैं किंतु मैं तेरी संहिता से विमुख नहीं हुआ विश्वासघातियों को देखकर मुझे घृणा होती है क्योंकि उन्होंने तेरी शिक्षा का पालन नहीं किया देख कि मैं तेरे आदेशों से कितना अनुराग करता हूं प्रभु अपनी सत्य प्रतिज्ञाता के अनुरूप मुझे नवजीवन दे तेरी शिक्षा सत्य पर आधारित है तेरे न्याय का प्रत्येक निर्णय अपरिवर्तनीय है संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय गिरासा का ग्रस्त वे समुद्र के उस पार के प्रदेश पहुंचे ईसा ही नाव से उतरे एक ग्रस्त मनुष्य मकबारों से निकलकर उनके पास आया वह मकबारों में रहा करता था अब कोई उसे जंजीर से भी नहीं बांध पाता था क्योंकि वह बारंबार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था किंतु उसने जंजीरों को तोड़ डाला और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया था उसे कोई भी वश में नहीं रख पाता था वह दिन रात निरंतर मकबरों में और पहाड़ों पर चिल्लाता और पत्थरों से अपने को घायल करता था वह ईसा को दूर से देखकर दौड़ता हुआ आया और उन्हें दंडवत कर ऊंचे स्वर से चिल्लाया ईसा सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र मुझसे आपको क्या ईश्वर के नाम पर प्रार्थना है मुझे ना सताइए क्योंकि ईसा उससे कह रहे थे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य से निकल जा। ईसा ने उससे पूछा तेरा नाम क्या है उसने उत्तर दिया मेरा नाम सेना है क्योंकि हम बहुत हैं। और वह ईसा से बहुत अनुनय बिनय करता रहा कि हमें इस प्रदेश से नहीं निकालिए वहां पहाड़ी पर सुवरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था अब दूतों ने यह कहते हुए ईसा से प्रार्थना की हमें सुवरों में भेज दीजिए हमें उनमें घुसने दीजिए ईसा ने अनुमति दे दी तब अबदूत उस मनुष्य से निकलकर सुवरों में जा घुसे और लगभग दो हजार का वह झुंड तेजी से ढाल पर से समुद्र में कूद पड़ा और उसमें डूब कर मर गया चराने वाले भाग गए। उन्होंने नगर और बस्तियों में इसकी खबर फैला दी लोग यह सब देखने निकले वे ईसा के पास आए और यह देखकर भयभीत हो गए कि वह अवदूत ग्रस्त जिसमें पहले अबदूतों की सेना थी कपड़े पहने शांत भाव से बैठा हुआ है जिन्होंने यह सब अपनी आँखों से देखा था, उन्होंने लोगों को बताया कि अवधुत ग्रस्त के साथ क्या हुआ और स्वरों पर क्या क्या बीती तब गैरासिनी ईसा से निवेदन करने लगे कि वे उनके प्रदेश से चले जाएं। ईसा नाव पर चढ़ ही रहे थे कि अब्दुत ग्रस्त ने बड़े आग्रह के साथ यह प्रार्थना की मुझे अपने पास रहने दीजिए उसकी प्रार्थना अस्वीकार करते हुए ईसा ने कहा अपने लोगों के पास अपने घर जाओ और उन्हें बता दो कि प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है और तुम पर किस तरह कृपा की है वह चला गया और सारे डेकापोलिस में यह सुनाता फिरता कि ईसा ने उसके लिए क्या क्या किया था और सब लोग अचंभ में पड़ जाते थे